सहरसा विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी लवली आनंद ने मीडिया से बातचीत के दौरान नीतीश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने राजद के अंदरूनी रोष को छुपाते हुए कहा कि इस बार सुशासन का पत्ता साफ है, इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर रहेंगे। देखिए, हमें नहीं लगता कि कोई रोष है, हमें तो देखते हैं खुशहाली है। हमारे आने में से लोगों में खुशहाली आ गई है, जोश आ गया है, रोष नहीं, बिल्कुल जोश आ गया है। इसको आप लोग गलत ढंग से कह रहे हैं रोष, क्योंकि हम आए हैं और हम मजबूत हो करके और सबका एक ही उद्देश्य है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना, बिहार में कुशासन की समाप्ति करना, बिहार में अन्याय अत्याचारी घमंडी राज का खात्मा करना, क्योंकि नीतीश जी ने किसी को छोड़ा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सहरसा प्रशासन काफी चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। इसी कड़ी में सदर थाना सहरसा से लेकर रमेश झा महिला कॉलेज होते हुए डीएम आवास तक थाना प्रभारी आर के सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। अरवल जिला के कलेर थाना अंतर्गत जलवैया एवं आगानूर गांव के बाधार में गया से आई स्पेशल टीम स्वान हनी एवं कलेर थाना के गश्ती दल के द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध छापेमारी की गई। पुलिस अवर निरीक्षक महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि खोजी कुत्ते के सहयोग से अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान 100 लीटर जावा महुआ मिट्टी के अंदर से निकालकर नष्ट किया गया है। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आज नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ जिला स्वीप कोषांग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी द्वारा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता के लिए किए जाने वाले कार्यों से की गई तथा उप विकास आयुक्त के द्वारा कोरोना काल में मतदान केंद्र की तैयारियों से सदस्यों को अवगत कराया गया और निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की गई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी कोशिशों में कोई कमी ना रखते हुए जी जान से जनता को लुभाने की कवायद में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में जीएसटी अधिवक्ता नीरज कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को अपना नामांकन किया। इस मौके पर नीरज कुमार ने कहा कि अगर पूर्णिया सदर की जनता ने उन्हें मौका दिया तो वो वंचित तबकों को शिक्षित करेंगे। जब कोई भी शिक्षित नहीं होगा तब तक कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। दानापुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार रमेश कुमार ने नामांकन दाखिल कराया। इस दौरान वो अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिखे। इसके साथ ही उन्होंने जात पात से ऊपर उठकर विकास की राजनीति की बात कही। देखिए, ये लोकतंत्र है और खास करके पार्टी विशेष के बारे में चर्चा करना उचित नहीं है, करेंगे भी नहीं, क्योंकि हम लोग का जो है से कि अलग पहचान है, विचारधारा है, युवा लोग को साथ में लेकर के चल रहे हैं और जनता विकल्प का तलाश में है, विकल्प के रूप में हम लोग खड़े हो रहे हैं। मुद्दा है बेरोजगारी, रोजगार देने का काम करेंगे। हमने चुनाव का जो है आचार संहिता लागू हो उससे पहले जनता से मिल करके हमने घोषणा भी कर रखा था, बताया भी था कि अगर उनका आशीर्वाद से चुनाव जीतते हैं तो हम जो है सबसे पहला काम ये करेंगे कि घर घर का अपना विधानसभा 186 क्षेत्र है उसका सर्वे करवा देंगे।